यह बात सही है कि बीजेपी आलाकमान की मंशा के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम से सभी वर्गों, समाजों और क्षेत्रों को तवज्जो दी जाएगी। ऐसा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। भाजपा हर हालत में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतना चाहती है। विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा आलाकमान ने अपना संदेश दिया है कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब मंत्रिमंडल को लेकर भी ऐसे ही कयास है। नए मंत्रिमंडल के गठन में आलाकमान कोई न कोई संदेश अवश्य देगा, ऐसा प्रेक्षकों का भी मानना है। संभावना है कि मंत्रिमंडल में युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। पहली बार चुनाव जीतने वाले विधायकों को भी मौका मिल सकता है। कुछ वरिष्ठों को भी भजनलाल टीम में शामिल किया जाएगा ताकि उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सके। माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भजनलाल भी अपने पास कार्मिक, वित्त और DIPR महकमे रख सकते हैं। मंत्रिमंडल के गठन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभागों में आने वाले जिलों के विधायकों के बीच क्षेत्रीय संतुलन तो रखा ही जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग की कारीगरी भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो उप मुख्यमंत्री राजपूत और SC है। ऐसे में जाट, ST और मूल OBC विधायकों को कैबिनेट में मौका दिया जाएगा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर यदि बीजेपी आलाकमान ने अनुभव को प्राथमिकता दी तो मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, सिद्धि कुमारी, महंत प्रतापपुरी, बाल मुकुंदाचार्य, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अजय सिंह किलक, झाबर सिंह खर्रा, भैरा राम सियोल, संजय शर्मा, प्रताप सिंह सिंघवी, बाबा बालकनाथ, हीरा लाल नागर, शत्रुघ्न गौतम, जवाहर सिंह बैडम और फूल सिंह मीणा के नामों पर संभावनाएं बन सकती है। वहीं राज्य मंत्री के रूप में शैलेश सिंह, जितेंद्र गोठवाल, मंजू बागमार, दीप्ति किरण माहेश्वरी, उदयलाल नोक्शम चौधरी, सुमित गोदारा, ताराचंद जैन, हंसराज पटेल, गोपाल शर्मा, जेठानंद व्यास, हेमंत मीणा और महेंद्र पाल मीणा जैसे चेहरे राज्य मंत्री बन सकते हैं।